नमस्ते फ्रेंड्स। और आज हमें एक इंडियन सेडान के सामने, जिसका नाम है वॉक्स वैगन एमयू, 2016 में लॉन्च हुई थी और यह फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। रेंज शुरू होती है 5,60,000 से। टॉप मॉडल कीमत है 10 लाख रुपीज। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ डीजल में आएगा। टोटल 5 वेरियंट्स में आती है एमयू: ट्रेंड लाइन, कम्फर्ट लाइन, कंफर्ट लाइन प्लस, हाई लाइन और हाई लाइन प्लस। और ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये आप ब्लू कलर देख रहे हैं। सिल्वर, ब्राउन, वाइट और ग्रे का भी ऑप्शन है। महाराष्ट्र के चाकन सिटी में असेंबली होती है वॉक्स वैगन एमयू की। एमयू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लव या फिर प्यार। भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाई गई है वॉक्स वैगन एमयू। और ये है ब्लैक फिनिश में हैलोजन डुअल बीम हेडलैम्प्स। और यहाँ नीचे फॉग लैम्प के लिए स्पेस है। और ये है फ्रंट की लोअर ग्रिल। और ये है स्टाइलिश रेडिएटर ग्रिल, क्रोम स्ट्रिप के साथ ग्रिल है। और ये है फॉक्स वैगन का लोगो। काफ़ी शानदार और एट्रैक्टिव रियर फ्रंट प्रोफाइल है एमयू का। और ये शानदार हेडलैम्प। और ये है दो रेन सेंसिंग वाइपर्स। प्लेन रूफ है वॉक्स वैगन एमयू के अंदर, सनरूफ नहीं मिलेगी। और ये है शार्क फिन एंटीना। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ। वॉक्स वैगन के ज़्यादातर कारों के नाम हवाओं के नाम पर हैं। वॉक्स वैगन के A05 PQ25 प्लेटफॉर्म को यूज करती है वॉक्स वैगन एमयू। और ये हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स। 15 और 16 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है। और 14 और 15 इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे। आगे स्टेबलाइजर बार के साथ मैकपर्सन स्टट सस्पेंशन, पीछे सेमी इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन मिलेंगे एमयू में। और MRF कंपनी के टायर्स मिलेंगे आपको इसमें। व्हील्स के बीच में वॉक्स वैगन का लोगो है। 2 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है आपको इस पर। 3 साल या वॉक्स वैगन एमयू पर पेंट वारंटी मिलती है आपको। 6 साल की एंटी प्रोटेक्शन परफोरेशन वारंटी मिलती है आपको एमयू पर। 4 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और लगभग 1200 kg कर्व वेट है वॉक्स वैगन एमयू का। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग, ABS, रिमोट कंट्रोल सेंटर लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजन इमोबिलाइजर, 3-point seat belts और फ्रंट इंपैक्ट बीम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, एंटी थेफ्ट डिवाइस और हिल होल्ड असिस्ट। और आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ आएगी। साल में एक बार या फिर 15,000 किलोमीटर पर सर्विस कराना होता है फॉक्स वैगन एमयू की। फॉक्स वैगन पोलो का सेडान वर्जन लगता है फॉक्स वैगन एमयू। बॉडी कलर्ड में आउटसाइड मिरर्स हैं और काफ़ी शानदार रियर और साइड प्रोफाइल है फॉक्स वैगन एमयू का। और ऐसा दिखता है एमयू का रियर प्रोफाइल। और ये है रियर टेल लैंप्स।
और ये है VW, फॉक्स वैगन का लोगो। और ये है एमियो की बैचिंग। और ऐसा दिखता है इसका बैक रियर प्रोफाइल। दो साल या अनलिमिटेड किलोमीटर, 3 साल की पेंट वारंटी और 6 साल की एंटी परफोरेशन वारंटी मिलती है आपको एमियो में। आइए बूट ओपन करते हैं। और यहाँ मिलती है आपको 330 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है। और ये टूल किट, और ये है रियर रिफ्लेक्टर्स, और यहाँ नीचे आपको एग्जॉस्ट टेल पाइप मिल जाता है। और ये पीछे रियर सस्पेंशन दिख रहे हैं, गैलोनाइज स्टील बॉडी है एमियो की। वॉक्स वैगन अपने लगभग सभी गाड़ियों का नाम हवाओं के नाम से रखता है, जैसे कि वेंटो, पोलो, ये सभी हवाओं के नाम पर हैं। इनका मीन यानी एयर यानी कि हवा है। काफ़ी शानदार बूट स्पेस है, ऐसा दिखता है बूट स्पेस बूट ओपन होने के बाद। और ये है टूल किट, ये है फर्स्ट एड किट, और यहाँ से कारपेट उठाएंगे तो यहाँ नीचे आपको स्पेयर बिल मिल जाता है टूल किट के साथ। ये स्पेयर बिल और टूल किट देख रहे हैं आप। और ये है स्टॉप लैंप। और यहाँ आपको दो लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट पर। आइए पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। और ऐसा दिखता है कुछ पैसेंजर साइड डोर। 4 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको एमियो में। और ये आर्मरेस्ट, साथ में डोर हैंडल्स सिल्वर कलर में, ये डोर हैंडल्स हैं। और ये है मैनुअल विंडो के कंट्रोल्स। और यहाँ नीचे भी काफ़ी स्पेस है फाइल्स और पेपर रखने के लिए। और ये है स्पीकर, डोर्स पर ही मिल जाते हैं आपको डोर लॉक अनलॉक करने के बटन। और ऐसे दिखती है पैसेंजर सीट्स। और ये है ब्लैक फैब्रिक अपॉलस्ट्री, ब्लैक कॉम्बिनेशन फ्लैग अपॉलस्ट्री है। सीट्स पर आपको दो हेडरेस्ट मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। और ये प्लेन रूफ है, सनरूफ नहीं मिलेगी आपको एमियो में। और यहाँ नीचे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और ये है कोलेसबल हैंडल बार्स। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, स्क्रैच रेजिस्टेंस डैशबोर्ड है। और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब है। आइए ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। और ड्राइवर साइड डोर पर नीचे बोतल होल्डर, स्पीकर मिल जाते हैं। और ये है आर्मरेस्ट, और ये है पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन। और ये है सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, नीचे बोतल होल्डर, काफ़ी स्पेस है। ब्लैक इंटीरियर है एमियो का। और ये है स्पीकर, और ये है ORBM के कंट्रोल्स। और ऐसे दिखते हैं आगे की दोनों सीट्स। सीट्स पर ब्लैक फैब्रिक अपॉलस्ट्री है। और ये है सीट्स पर डिजाइन्स, एडजस्टेबल और स्लाइडिंग सीट्स मिलेंगी।
और ये है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ। और ये है ड्राइवर साइड एसी वेंट्स, नीचे लाइट के कंट्रोल्स, और ये है पैडल्स, और ये है साइड में बोनट खोलने का लीवर, लाइट के कंट्रोल्स, एसी वेंट्स, और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स के स्टिकर्स दिए गए हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं ड्राइवर के सभी कंट्रोल्स। और यहाँ थोड़ी स्पेस मिल जाती है आपको सेंट्रल कंसोल पर। और ये है मैनुअल हैंड ब्रेक, ब्लैक पियानो फिनिश में हैंड ब्रेक का बटन है। और यहाँ आगे थोड़ी स्पेस है। और ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DSG, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। और यहाँ आगे 2 ग्लास होल्डर्स हैं। और ये है 12B का चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ आगे भी आपको स्पेस मिल जाती है। चलिए कार को ऑन कर लेते हैं पहले। और ये है मैनुअल AC, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC का भी ऑप्शन है, डस्ट और फिल्टर के साथ AC है। और यहाँ पर ऊपर इंफोटेनमेंट स्टीरियो के लिए स्पेस है, इसे आपको इस एक्सेसरीज में बाहर से मार्केट से लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऊपर हैजर्ड लाइट के बटन और भी कई सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। 2 AC वेंट्स हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंस डैशबोर्ड है। टॉप मॉडल में आपको क्लाइमेट्रॉनिक ऑटोमेटिक AC, डस्ट और पोलन फिल्टर के साथ मिलेगा। और ये है ग्लो बॉक्स, यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। विजिटिंग कार्ड के लिए अलग से स्पेस है, सेपरेटली स्पेस है विजिटिंग कार्ड के लिए। और ये है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, वैनिटी मिरर्स पर लाइट नहीं मिलेगी। और ये है रीडिंग लाइट। और यहाँ पीछे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है। और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाएगा टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल लेवल, डिजिटल क्लॉक, ट्रेवलिंग टाइम, डिजिटल स्पीड डिस्प्ले, एवरेज स्पीड। और यहाँ से सेट कर सकते हैं आप इसे। काफ़ी शानदार और स्टाइलिश डिजिटल डिस्प्ले है, स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको सीट वार्निंग्स, सीट बेल्ट वार्निंग्स और भी कई सारी वार्निंग्स दिखाएगा। और यह है 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग के बीच व्हील के बीच में फॉक्स वैगन का लोगो है। और यह है लाइट के कंट्रोल्स। और यह है वाइपर्स के कंट्रोल्स, साथ में क्रूज कंट्रोल्स। काफ़ी स्टाइलिश और शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको MU में। और ऐसा दिखता है इसका रियर प्रोफाइल, टेल लैंप्स ऑन होने के बाद। और कुछ इस तरह दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल हेडलैम्प ऑन होने के बाद। इसके अंदर 1200 cc इनलाइन 3 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन है। इसकी 75 PS पावर है, 110 Nm टॉर्क है, 17 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर की फ्यूल टैंक से। तो कैसी लगी आपको फॉक्स वैगन MU, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।